महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल की ओर से शिवसेना को सरकार बनाने के लिए पूछा गया है, जिसके बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। राज्य में सरकार गठन के लिए आज का दिन अहम हो सकता है। शिवसेना के विधायकों की बैठक के अलावा आज एनसीपी कांग्रेस की भी कोर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें राजनीतिक हालात पर चर्चा संभव है। चक्रवाती तूफान बुलबुल के देश की पूर्वी तटों से टकराने के बाद अब बांग्लादेश में तबाही मचा रहा है। हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बांग्लादेश की मीडिया के अनुसार इससे अब तक वहां पर 22 लोगों की मौत हुई है, लेकिन बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार सिर्फ 8 लोग मारे गए हैं। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली सरकार ने आज और कल यानी सोमवार और मंगलवार को ऑड इवन नियमों में छूट देने की घोषणा की है। इन दो दिनों में दिल्ली में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। इस पर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 11 और 12 नवंबर को ऑड इवन से छूट दी जाएगी। भारत ने नागपुर के बिधवे क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक T20 इंटरनेशनल मैच में मेहमान टीम बांग्लादेश को 30 रनों से मात देकर 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। भारत के लिए दीपक चाहर ने हैट्रिक सहित 6 विकेट लिए, शिवम दुबे को 3 सफलता मिली। ओडिशा में चार्ज करते समय मोबाइल फोन फटने से एक युवक की मौत की खबर है। घटना जगत सिंहपुर जिले के पारादीप अठर बांकी इलाके की है। मृत युवक नायागढ़ जिले के रानपुर गांव का निवासी कुन्ना प्रधान बताया जाता है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 17 नवंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफर याब जलानी ने कहा कि इस बैठक में मुस्लिम पक्ष चर्चा करेगा कि उन्हें अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्ण विचार याचिका दाखिल करनी है या नहीं। ग्रेटर नोएडा स्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में करीब 7 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। घायल हुए लोगों में से कुछ ही हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे का शिकार हुए तमाम लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो कि एक शादी समारोह में से होकर घर की ओर लौट रहे थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के निकट प्रशासन की छात्र विरोधी नीति के खिलाफ सोमवार को सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे छात्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भवन की ओर बढ़ रहे थे। उस दौरान सुरक्षा के लिए मौजूद गार्डों ने छात्रों को जाने से रोक दिया। घटना उस समय घटी जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहाँ दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 52 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट रविवार को जारी कर दी है। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में 30 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। झारखंड में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में मतदान होगा। नतीजों की घोषणा 30 दिसंबर को कर दी जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत की तबीयत खराब हो गई, उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। संजय राउत की गिनती शिवसेना के बड़े नेताओं में होती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही संजय राउत बीजेपी पर काफी हमलावर रहे हैं। वो शिवसेना के मुख्यपत्र सामना के कार्यकारी संपादक।